एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। काश को लेकर के भी उन्होंने जो बिहार को लगातार पैकेज देने का काम किया है, 10 साल के अंदर में बिहार के में चौतरफा विकास हुआ। डबल इंजन की सरकार चल रही है। बीच के कालखंड में कुछ गति में अवरुद्ध हो गया था, कुछ क्या कहते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ी थोड़ी सी पटरी से उतर गई थी, जिसका खामियाजा हम सबको बिहार वासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन अब बिहार फिर लीक पर आकर के डबल इंजन की सरकार बिहार में, विकास की सरकार चल रही है। और जो आज से वर्षों पहले बिहार के अंदर हम सभी कलंकित होते रहे, जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में इसी बिहार की धरती पर छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, वो स्वयं 8 अप्रैल 1974 को मुंह में पट्टी लगा करके, जब आंदोलन 18 मार्च का हिंसक हो गया था, कम्युनिस्टों ने और कई कांग्रेस के लोगों ने आगजनी किया, हिंसक आंदोलन हो गया, गोलियां चली, मारे भी गए, लाठियां चली, हम सब लोगों का हाथ भी टूटा। मुझे याद है कि उसी आंदोलन के बाद जेपी को बनाया गया और जेपी ने कंडेम किया था उस आंदोलन के हिंसात्मक गतिविधि को। फिर जेपी आते हैं और 8 अप्रैल 1974, ठीक 50 साल अभी हो रहे हैं, और स्वर्ण जयंती समारोह हमने मनाने का निश्चय किया है। मैं 8 अप्रैल 1974 का, उस समय मैं 22 साल का था, उस समय जेपी 72वें साल में थे और आज मैं भी 72वें साल में प्रवेश कर गया। मुझे लग रहा है कि जेपी का जो सपना था छात्र आंदोलन को जन आंदोलन बना करके, जो संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया था, सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही थी, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी हम पर भी है जिम्मेवारी, और उनकी अध्यक्षता में भारत का संविधान बना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस संविधान कमेटी के भी कन्वीनर रहे और उन्होंने इस संविधान को रचना किया जो आज देश के अंदर हमारा संविधान है। बार बार इस प्रकार की बात हमारे कांग्रेस और उनके जो पिट्ठू चट्टे बट्टे के लोग हैं, ये लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी पर हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नाहक करते हैं, ये दुर्भाग्य है देश का। जिस कांग्रेस ने 74 आंदोलन के बाद देश के अंदर आपातकाल लगाने का काम किया, हमारे जैसे हजारों छात्र युवा राजनीतिक नेताओं को जेल के अंदर बंद करके और उनके ऊपर कुठाराघात किया, आज वो कांग्रेस जो आपातकाल देश के अंदर लगा करके, मुझे याद है 25 जून 1974 जिस दिन रामलीला मैदान दिल्ली में लोकनायक जाना है, और इसलिए लोकतांत्रिक शक्ति को, उनके मूल्यों को जो क्षरण हो रहा था, उन्होंने कहा था इंदु तुम सावधान हो जाओ, तुम ताना साहब बन रही हो। और ठीक उसी रात में 2 बजे रात में इमरजेंसी ला दी गई देश के अंदर, आपातकाल लागू किया गया और सारी धज्जियां उड़ाई गई, प्रेस जो चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, उनकी कलम बंद कर दी गई, सारे प्रेस मीडिया सब पर पाबंदी लगाई गई और लोकतंत्र का गला घोटा गया। यह है काले अध्याय कांग्रेस का। यह कांग्रेस किस मुंह से कहता है लोकतंत्र की बात करना, उनके मुंह से जिन्होंने इमरजेंसी में सारे संविधान को भी बदलने का काम किया, ऐसे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दे रहे हैं। चूंकि अटल बिहारी के बाद अटल जी कहते थे मैं तो स्वयं बिहारी हूं, और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर नरेंद्र मोदी बिहार में एक प्रधानमंत्री, दो रात बिहार की राजधानी में रुकते हैं और चिंता करते हैं बिहार की, ये मामूली बात नहीं है।
और उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का विकास, उन्होंने कई बार पार्लियामेंट में कहा, जब तक पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों का विमान में एनडीए चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता, हमारे समर्थक और एनडीए का समर्थक मिलकर के जनता दल यू यहाँ अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और सिवान से लेकर के सिवान के अन्य क्षेत्रों में, महाराजगंज में, हम पूरी तरह से महाराजगंज में बहुत अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सारी सीटें बिहार की है वो एनडीए की झोली में जाने वाली है, नरेंद्र मोदी जी के गले में, और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति एनडीए की लगी हुई है। जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की नीति को अपनाने वाले, और दूसरी तरफ जो देश को बनाने वाले, नरेंद्र मोदी इस देश को बनाने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान को आगे बढ़ा करके देश को आगे बढ़ाना। 5 लाख नौकरी, मुझे लग रहा है कि मेरी बात हो जाए फिर आप प्रश्न करिए। तो पंचतीर्थ की रचना उन्होंने की, तो अमार फिर एक बार मोदी सरकार, ये मोदी सरकार आगे देश के अंदर बनने वाली है। 4 तारीख को इन तमाम विपक्षियों का ये जो ठगबंधन है, महाठगबंधन, इनका जो है इनका दांत खट्टा हो जाएगा, इनके सुपड़े साफ हो जाएंगे, और ये लोग जो परिवारवाद, वंशवाद को स्थापित करने वाले हैं, ये कभी नहीं देश के अंदर होंगे। मतदाता मानते हैं, और हम मुसलमान और हिंदू सभी भाइयों को भाग्य विधाता मानते हैं, वो देश के भाग्य विधाता है। इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण का जो नीति बना करके देश को ठगने के लिए चला है, हम मुस्लिमों को हिंदुओं के आरक्षण से, पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति का आरक्षण काट करके हम मुस्लिम को कभी नहीं दे सकते। हम उनका विकास करते हैं, हम उनके लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया राजेंद्र प्रसाद जी का की अध्यक्षता में, हम उस आरक्षण को कभी नहीं जाने, ये राजेंद्र प्रसाद जी की भूमि है, यहाँ ये संकल्प लेकर के हम कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज इन्हीं शब्दों को आप सिवान में आने का प्रयोजन क्या रहा है सर, कुछ घूमे हैं आप लोगों से सिवान के अंदर, अपील भी किया और आज दिन भर यहाँ से जा भी रहा हूँ, सिवान भी जाऊँगा, सिवान के क्षेत्रों से होते हुए और वहाँ संपर्क अभियान करते हुए, जनसंपर्क अभियान करते हुए महाराजगंज के क्षेत्र में वहाँ कार्यक्रम भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मुख्यालय होने के नाते, और कल तो प्रधानमंत्री जी का व्यापक संदेश चारों तरफ चला गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के उस व्यापक संदेश को आप सब लोगों ने अंगीकार किया है। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो तीसरी पाली विश्व के अंदर, जहां 11वां हमारी आर्थिक स्थिति थी, हमने 5वीं आर्थिक स्थिति में छलांग लगाया, और ब्रिटेन जो हम पर 400 साल शासन किया था अंग्रेजों ने, हम उसको पछाड़ करके 5वीं अर्थशक्ति हमने बनाने का काम किया। अब हम तीसरी आर्थिक शक्ति एक पूरे विश्व में निश्चित रूप से हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं, महाशक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सिवान भी मोदी जी के साथ है, सिवान में एनडीए जीतेगा तो मोदी जी के गले में यहाँ कई निर्दलीय पर वो माला जाएगा सर, और कह रहे हैं कि मोदी जी देश में ठीक है, लेकिन यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। आपकी सरकार में 15 साल में अभी तक सिसवन ढाला पे ओवरब्रिज नहीं बना, डॉक्टर इंद्र प्रसाद का जो स्मारक है वहाँ पे पर्यटन स्थल नहीं बना, सिर्फ देश की बात हो रही, सिवान के विकास की बात नहीं हो रही। मुझे लग रहा है आपको गलतफहमी हो गई, हम पूरे देश का विकास हमने किया है, हम ही कर रहे हैं, और जो छूटे बड़े हैं वो भी हम ही पूरा करेंगे, वो दूसरा कोई पूरा करने वाला नहीं है। इसी मैंने कहा, आपने जिस ढाले की बात कह रहे हैं वो काम भी हमारी सरकार ने ही शुरू किया था, हम भी पूरा करेंगे, उसमें जो भी तकनीकी कारणों से विलंब हुआ हो। पर्यटन की बात क्या, मैंने हमारी सरकार ने पर्यटन केंद्र घोषणा किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और उस स्मारक को एक बेहतर स्मारक के रूप में बनाने का जो संकल्प है वो भी हमारी सरकार करी है और करेगी, उसमें कहीं दो मत ऐसे हैं सर जो कि मोदी को लाइक करते हैं देश में, लेकिन सिवान में बोल रहे हैं कि हम अपने आप को लाइक कर रहे हैं, और जो एनडीए की समर्थित प्रत्याशी हैं उनको लाइक नहीं कर रहे हैं।
भाई देखो, लाइक और डिसलाइक करना ये तो जनता का, लोकतंत्र का अधिकार है। हम जनता को थोपेंगे नहीं। जनता लोकतंत्र की मजबूती को स्वयं समझती है और ये भी समझती है कि हम अगर एक खोएंगे तो एक के कारण अटल जी की सरकार चली गई थी, मालूम है ना, लगातार विपक्ष वाले हमला कर, इसी एक वोट के कारण अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो एक का महत्व कितना है, एक वोट का कितना महत्व है, यही तो लोकतंत्र की शक्ति है। जी 40 के 40 में और मोदी जी के 400, जब 40 और 400 पार की बात कहते हैं तो बक्सर जो मैं राम का भूमि है, मैं 10 साल रहा हूँ, बक्सर क्यों पीछे रहेगा। सर अटल बिहारी वाजपेयी बिना आशीर्वाद का कुछ हो सकता है, जनता का आशीर्वाद है। विकास की बात बोले, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था कि शहाबुद्दीन जब थे सिवान में तो पूरे देश में दूसरे नंबर स्थान लाए थे, तब से विकास नहीं हुआ है। और ओवरब्रिज की बात करें तो बिहार विधान तो अध्यक्ष चौधरी जी बोल रहे हैं कि मैंने ओवरब्रिज को पास कर दिया है, सब कुछ पास हो गया है, मेरी सरकार। भाई चौधरी जी और चौधराना जी का युग चला गया। ये चौधरी जी और चौधराना जी बात करेंगे, ये विकास की बात करेंगे, जिनके नेता ये कहते हैं यादव समाज के लोगों को, अरे तोरा के सड़क के काहे चाहिए, और गोपालगंज और सिवान के लोग के हो कि तोरा तो पगडंडिये से दूध बेचे के बाद सड़क के काहे जरूरत बा, वो विकास की बात करते हैं। यह उनकी सरकार ने किया, ये भारत सरकार का योजना है, आप सुन लीजिए, भारत सरकार की योजना है, ये उनकी सरकार की योजना नहीं है। इसलिए काश गलतफहमी में जनता को न वोट डालें, और आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, निष्पक्ष आपकी बात मजबूती से जनता को जाना चाहिए। सर क्या अपील करेंगे विजय लक्ष्मी को लेकर, ये विजय लक्ष्मी जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर क्या अपील करेंगे सर? क्या अपील करेंगे? अपील तो एनडीए के लिए आए हैं कि उनको वोट दो। वो नरेंद्र भाई मोदी जी के गले में अगर वो वोट जाएगा तो मोदी जी को जाएगा, व्यक्ति को नहीं, मोदी जी को जाएगा। अरे हाँ, उनका सिलेंडर हो जाएगा, उनके परिवार में सिलेंडर जलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए हो जाएगा। चूंकि कितने एमपी को टिकट उन्होंने बाहर का दिया, क्या परिवार में इतने काबिल लोग थे कि दो दो एमपी उनके परिवार से, राज्यसभा उनके परिवार से, मुख्यमंत्री उनके परिवार से, उप मुख्यमंत्री उनको उनके परिवार से। ये यादव समाज को ठगने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। यादव समाज बुद्धू नहीं है, विद्वान समाज के लोग, उनके भी लोगों में जागृति आई है, इनका दांत खट्टा करेगा। और ये चले हैं परिवारवाद को लादने के लिए। ये युवराज, एक युवराज दिल्ली में है पप्पू, और दूसरा बिहार में है गप्पू, उत्तर प्रदेश में सप्पू, और बगल के बंगाल में ममता का लप्पू, एक दिल्ली में पैदा हुआ है डप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू लप्पू और डप्पू की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री साल भर के लिए एक एक लोग बनाएंगे, अरे 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ऐसा इस देश में नहीं होगा। इस देश का अकेला पूरे जनता की भावना के अनुसार नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये जनता का आशीर्वाद और जनता के विश्वास को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। भाई मैंने कह दिया ना, आप एक ही सवाल को आप कर रहे हो। जीरा देश डेवलप्ड है, जीरा देश का जितना डेवलपमेंट हमारी सरकार ने किया है शायद उतनी 76 सालों में नहीं हुआ, और जो बचे हुए हैं उसको भी करने का हम वादा करते हैं।